देखिए, मुझे लगता है कि अभी कम से कम ये जो मीटू अभियान है और इस मुद्दे पर जो लोग भी जो बोल रहे हैं या जो कह रहे हैं और कहते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको समाज को देखना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात यह है, मैं इसको अच्छी बात कह रहा हूं कि इसका सबसे बड़ा प्रहार मीडिया पर हुआ है, सबसे ज्यादा पत्रकारों पर इसका प्रहार हुआ है। तो ऐसे लोग जिनको पढ़ते हुए आप बड़े होते हैं, ऐसे लोग जिनको पढ़कर आपके मन में कुछ अलग कर देने की धारणा बनती है और ताकत भी मिलती है। एमजे अकबर को पढ़ते हुए हम सब लोगों को लगता था कि हाँ, ये कर सकते हैं, इस तरह से सोचा भी जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोग आपको दिख रहे हैं, विनोद दुआ जैसे लोग, जो पिछले इतने सालों से, इतने दशक लगता था कि जैसे पत्रकारिता का सब कुछ करते हुए ये लोग दिखते हैं और कहते हैं कि हम अपनी शर्तों पर पत्रकारिता करते हैं, तो एमजे अकबर और विनोद दुआ जैसे लोगों के खिलाफ अगर मीटू आता है और उसमें भी ये लोग अभी माफी मांगने को तैयार नहीं, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, एक तरीका हो सकता था कि आपके जीवन में गलतियां हुई, आपके स्वभाव की गलतियां रही होंगी, आप कानूनी लड़ाई लड़ लीजिएगा, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा जो आज तक इस तरह के मामलों में होता है। लेकिन देश तो कम से कम देखे ना कि जिन पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों को हम देख सुनकर कुछ अपनी धारणा बना रहे थे, अपना समाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये सबसे ज्यादा देखने